दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सरसीमा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की और राजपत्र में 27 सितंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर सरसीमा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत को पूर्ण अस्तित्व में लाया गया। अब सरसीमा को नगर पंचायत बने पूरे 6 माह बीत गए लेकिन अब तक पार्षद का गठन नहीं किया गया, जिसे पंचायत के जनप्रतिनिधि व वार्डवासियों में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश के चलते आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द अपनी मांगों को पूर्ण करने की मांग की गई। वहीं पंचायत के सरपंच नीतीश बंजारे ने मीडिया को बताया कि सरसीमा को नगर पंचायत बनाने के बाद अब तक पार्षदों का गठन नहीं किया गया, जिसके चलते नगरवासी नगर के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। नगर के लिए अब तक न ही कोई बजट आया जिससे कि नगर पंचायत के विकास में लगाया जा सके। नगर में सीएमओ के अलावा एक भी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई, ऐसे में मूलभूत जैसी सुविधाओं से भी वंचित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीमांक को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे हैं और जल्दी परिषद का गठन कर राजपत्र में प्रकाशन किया जाए, जिसकी मांग की है, अन्यथा पूरे नगरवासी आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि अब तक शासन प्रशासन सरसीमा नगर पंचायत को विकास करने की दिशा में गंभीरता दिखाता है। देखिए विगत ये 6 माह हो गया हमारे यहाँ नगर पंचायत सरसीमा में सीमो बैठे हैं। पूर्ववर्ती सरकार जो थी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, उन्होंने 27 सितंबर 2023 को यहाँ पे राजपत्र में प्रकाशन हुआ कि सरसीमा को नगर पंचायत बनाया जाता है और फिर विगत 6 महीना हो गया यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ भी बैठा दिया जाता है, परंतु आज तक ना तो नगर पंचायत में कोई बजट आया है और ना ही नगर पंचायत में कोई सीएमओ के अलावा कोई एक चपरासी तक की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। ना हमारे यहाँ इंजीनियर आए हैं, ना हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना हमारे यहाँ वृत्त है, ना हमारे यहाँ बाबू है, ना ही हमारे यहाँ अकाउंटेंट है। किसी प्रकार के कर्मचारी यहाँ पे अभी तक नहीं हुए हैं। साथ ही साथ अभी तक परिषदों का गठन भी नहीं हो पाया है। जो हमारे मैं भी यहाँ का सरपंच हूँ, हमारे यहाँ के पंच हैं, विधिवत जो है राजपत्र में सभी का नाम प्रकाशन होना है और प्रकाशन के साथ साथ यहाँ पे परिषद का गठन होना है, तो परिषद का गठन भी नहीं हो पाया है। जब तक परिषद का गठन नहीं होगा तब तक परिषद और जो जनप्रतिनिधि होते हैं और जो जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं दोनों मिलकर ही विकास का काम करते हैं, तो जब तक परिषद का गठन नहीं होगा, हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ बजट नहीं आएगा, तब तक नगर विकास संभव नहीं है। आज 6 महीना हो गया, नगर का विकास बिल्कुल ठप पड़ चुका है। मूलभूत समस्याएं से लोग बाग जूझ रहे हैं, हमारी नाली सफाई नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि भी गर्मी का समय आ रहा है, गर्मी में भी पेयजल की हमको बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई एरिया भी रहता है। हमारा जो वार्ड नंबर 15-16 ये ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे ऐसा स्थिति निर्मित हो जाता है कि हमको टैंकर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास अगर बजट ही नहीं रहेगा, हमारे पास राशि नहीं रहेगी, तो हम कहाँ से हम मूलभूत समस्याओं को कुछ यहाँ से निदान दिला सकते।